सभी को न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देश का संविधान लागू हुआ था। इस साल देशवासी 74वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे और भारत सबसे मजबूत गणतांत्रिक देशों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गण के तंत्र यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय कहाँ हुआ और प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य कहाँ है? गणतंत्र को लेकर केवल ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं बल्कि वैदिक काल, प्राचीन विद्वानों और इसके साथ ही महाभारत और बुद्ध और जैन ग्रंथों में भी गणतंत्रों के परिणाम मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में गणराज्यों की एक निश्चित अवधारणा थी, जो किसी भी तरह से यूनान और रोम के समकालीनों में से कम नहीं थी। क्या होता है गणराज्य, वो भी हम आपको बताते हैं। प्राचीन भारत में गणराज्य निश्चित रूप से थे और उनके लिए गण या संघ शब्द का उल्लेख मिलता है और इसका तात्पर्य ऐसे समुदाय से है जो कि विधि द्वारा नियंत्रित हो, और गण शब्द का अर्थ है गिनती या गणना करने से। और इस तरह से गणराज्य का अर्थ ऐसे राज्य हैं जो एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा शासित हो।